जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में बात करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड सेमेस्टर का कॉमन सब्जेक्ट स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन। इस सब्जेक्ट का कॉमन है जो कि सबको पढ़ना है। सेकेंड यूनिट हम देख रहे थे और सेकेंड यूनिट की ये लास्ट वीडियो होने वाली है जिसमें हम देखेंगे स्कूल फाइनेंस यानी कि स्कूल वित्तीय योजना के बारे में। इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड सवाल है, कई साल ये सवाल पूछ चुका है, इसके बारे में पूछता है। इसके पहले हमने सेकेंड यूनिट में दो वीडियोस देखे थे जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है। एक नया पॉइंट है आपके सेकेंड यूनिट का और इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा भी फर्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट जितने भी वीडियोस हैं वो सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए हम शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं स्कूल फाइनेंस यानी कि स्कूल की वित्तीय योजना के बारे में। साधारण सा, सिंपल सा और इम्पोर्टेंट सा सवाल है, इसमें बस आपको समझते हुए चलना है। अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करें तो स्कूल फाइनेंस की ज़रूरत क्या है। देखिए, प्राचीन भारत में, प्राचीन काल से ही हम भारत में शिक्षा के महत्व को समझा गया। पहले शिक्षा कैसी होती थी, पहले शिक्षाओं का कोई फिक्स प्राइस नहीं हुआ करता था। गुरुकुल में जो भी गुरुजी शिक्षा देते थे उनको आर्थिक सहायता दान दक्षिणा के रूप में हम पैसे दे देते थे, ठीक है, वहीं से वो शिक्षा व्यवस्था चलता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी में, आप सबको पता होगा कंटेम्प्रेरी एजुकेशन में आपने पढ़ा होगा कि 1813 के चार्टर्ड एक्ट में कहा गया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी 1,00,000 रुपये खर्च करेगी। तो यहाँ से एक नया चीज़ आया कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में पैसा खर्च करने की बात की गई। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है, इसकी पहले की बात है। स्वतंत्रता के बाद से दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद से हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती थी, ठीक है। राज्य सरकार शिक्षा, लेकिन राज्य सरकार के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन होने लगा, इतना ज़्यादा बोझ होने लगा कि फिर उसको क्या किया गया दोस्तों, 1976 के 42वें संशोधन में राज्य सूची से समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची का मतलब दोस्तों कंकरेंट लिस्ट का मतलब, शिक्षा ऐसी व्यवस्था बन गई जिस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हस्तक्षेप रहेगा, दोनों का अधिकार रहेगा, शिक्षा पे जो खर्च होंगे वो दोनों सरकारें खर्च लेंगी, ठीक है। तो इसमें इससे शिक्षा पर दोनों को समान अधिकार प्राप्त हो गया। इसमें शिक्षा पर व्यय की जाने वाली धनराशि में वृद्धि हुई, परंतु वर्तमान प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजिकल विकास के साथ तेजी से बढ़ती हुई शैक्षिक आवश्यक के समक्ष शिक्षा वित्तीय जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। कहने का मतलब दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों शिक्षा की खर्च को बेयर करने लगी, शिक्षा के खर्च को उठाने लगी। अब आइए, यहाँ तक भूमिका की बात हो गई। अब आइए, शिक्षा की जरूरत, शिक्षा व्यवस्था में खर्च यानी पैसे की, फाइनेंस की ज़रूरत क्यों है। विद्यालय द्वारा स्पष्ट किए जाने के मध्य संबंध स्थापित किए जाए ताकि सभी साधनों आई ओके। अब यहाँ से एक टॉपिक नया निकल के आता है कि कितने सोर्स ऑफ इनकम होते हैं स्कूल के, एक स्कूल को कितने तरीके से पैसे प्राप्त होते हैं। तो पहला दोस्तों, गवर्नमेंट सोर्स, सरकारें जो देती हैं। अब गवर्नमेंट सोर्स में आप इसको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं। दूसरा, निजी अथवा व्यक्तिगत सोर्स। तीसरा दोस्तों, अन्य स्रोत, ठीक है। अब आइए ज़रा देखते हैं। तो सिंपल सी वही बात है, राजकीय स्रोत के अंतर्गत केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी शिक्षा बजट में अपना बजट देती है हर एक राज्य सरकार को, सिमिलरली राज्य सरकार भी बजट देती है अपने अधीन काम करने में। तो राज्य सरकार भी शिक्षक नियुक्त करती है, केंद्र सरकार भी शिक्षक नियुक्त करती है, दोनों सरकारें मिलकर काम करती हैं शिक्षा पे। तो अगर पहला स्रोत की बात करें तो राजकीय स्रोत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों स्रोत यहाँ पे शामिल होंगे। निजी स्रोत की बात करें कि निजी स्रोत क्या होता है, तो जैसे निजी स्रोत में स्कूल की फ़ीस लेना बच्चों से, ये एक निजी यानी पर्सनल स्कूल फ़ीस हो गया। दूसरा, किसी किसी चीज़ के लिए जुर्माना, जैसे एडमिशन फ़ीस या फिर कोई आपने ऐसा काम कर दिया कि अनुशासन भंग करने, जैसे विद्यालय समय पर ना पहुँचने, पुस्तकालय में पुस्तकों के समय वापस ना करने, खो जाने, टूट जाने इत्यादि के नाम पर एक जुर्माना या फाइन लगाया जाता है। तो ये भी एक क्या होता है, सोर्स ऑफ इनकम है स्कूल के लिए। चंदा या उपहार या डोनेशंस या गिफ्ट मिल जाते हैं पैसे, ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। स्थानीय निधि, स्थानीय निधि का मतलब दोस्तों कि जैसे कुछ एनजीओस होते हैं, ठीक है, वो एनजीओस यहाँ पे, सॉरी, स्थानीय निधि का मतलब दोस्तों स्कूल अपने पैसे को कभी कभी क्या करता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, मैंने शहरों में देखा है, स्कूल अपनी प्रॉपर्टी के कुछ हिस्सों में दुकान निकाल के वो किराए पर दे देते हैं, या फिर अपने पैसे को कहीं FD करा देते हैं या कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी उनको एक सोर्स ऑफ इनकम मिल जाता है।
आय के अन्य स्रोत की बात करें, अन्य स्रोत में जैसे कुछ एनजीओस एजेंसियां होती हैं वो यहाँ पे पैसे लगाती हैं। इसके अंतर्गत संपन्न देशों के अभिकरण तथा सहायक राष्ट्र संघ के अभिकरण जैसे यूनिसेफ, यूनेस्को आदि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक उपकरणों की व्यवस्था, तकनीकी परामर्श और विषय विशेषज्ञों का भ्रमण आदि से रूप में सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट की उपयुक्त अभिकरण एवं विभिन्न देश शिक्षा के विकास के, मतलब जो भी एनजीओस होते हैं जो इसमें सेल्फ से जो शिक्षा में सेवा देना चाहते हैं तो ये अन्य आय के स्रोत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट टॉपिक है, शिक्षा को कैसे व्यय करेंगे, मतलब जो इनकम आपको आता है उसको खर्च कैसे करते हैं। तो देखिए, खर्च करने के दो टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, पहला क्या है भाई, आवर्ती व्यय जिसको हम रिक्यूरिंग एक्सपेंचर कहते हैं। नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंचर का मतलब, अब इसमें देखिए, आवर्ती व्यय वो व्यय होता है जो अध्यापन कार्य को संचालित करने के लिए प्रतिवर्ष किया जाता है, अर्थात ये व्यय अनिवार्य होता है, हर साल आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अनावर्ती व्यय होता है जो कभी कभी ही करना पड़ता है। इस व्यय से कोई संपत्ति, पदार्थ, सेवा प्राप्त की जाती है जो अस्थायी होती है। अब इसको समझ जाइए। ठीक है, दो आपने देखा, पहला क्या देखा था, रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग का मतलब जो आपका हर साल आपको कंप्लीटली खर्च, जैसे मान लीजिए टीचर या कर्मचारियों का वेतन, ये आपको हर महीने देना है, हर साल आपको देना ही देना है। ठीक है, महंगाई भत्ते, ये सर चिकित्सकीय संबंधी व्यय, मतलब आप कुछ चिकित्सीय, मतलब जो भी मेडिकल आप खर्चा कर रहे हैं स्कूल पे, बच्चों पे, टीचर्स पे, वो भविष्य निधि के लिए दान, कर्मचारियों की यात्रा भत्ता, पाठ्य सहगामी क्रियाओं पे व्यय, कोई बच्चा पाठ्य सहगामी कर रहा है तो उसमें जो सामान लगेगा उसमें वो आपको खर्चा दिखाना है, पुस्तकालय के लिए पुस्तक खरीदना है, प्रयोगशाला के जो भी सामान होते हैं वो खरीदना है, भवन की साफ़ सफाई के लिए, और किराया हो, बिजली का बिल हो, बीमा हो, ये सारे चीज़ें पैसे हैं जो आपको प्रति महीने प्रतिवर्ष जरूरी से खर्च करने ही है। कुछ ऐसे खर्च हैं जो आपको बस एक बार करना है, कुछ ही नई चीज़, जैसे कि मान लीजिए आपको बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग जरूरी नहीं कि आपको हर साल हर महीने बनाना ही है, आपको लगता है तो आप एक बार बना सकते हैं फिर बना रह गया। व्यायामशाला, सिमिलरली आप ऐसा कुछ प्लेग्राउंड या इनसे निर्माण कर रहे हैं, भूमि आपको खरीदना हो या फिर विद्यालय में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना हो, फर्नीचर साथ साथ उपकरण का क्रय, ये सारी चीज़ आपको खरीदना हो, छात्रवृत्ति की बात की जाए, प्रशासन पर्यवेक्षण पर बल, अन्य वित्तीय व्यय, ये सारी चीज़ों पे जो भी खर्चे होते हैं वो नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंचर्स में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वो छोटा सा टॉपिक था और ये इस तरीके से आपसे सवाल पूछता है, ये आपको यहाँ से लिखने में सहायता होगी। तो बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और यहाँ पे आपका सेकेंड यूनिट समाप्त होता है। सेकेंड यूनिट में जैसा मैंने पहले भी बताया कुछ और छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे प्लेग्राउंड के बारे में और आपका हॉस्टल्स के बारे में, प्लेग्राउंड के बारे में, लेबोरेटरी के बारे में, ये छोटे छोटे सवाल आपसे इसके बारे में पूछता है, तो उसको आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सहायक होगा, कुछ पसंद आई होगी, कुछ समझ आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी PDF आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, कम मतलब ज़रूरी बातें करने वाले लोग हैं, किसी को अनावश्यक परेशान नहीं करते। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में उसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप उसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टा अकाउंट है JanaDoc01, आप इससे भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कुछ सुझाव, मशवरा, शिकायत, सलाह हो तो आप